दुआओं में याद रखें। मुस्तफा अली मुजफ्फर साहब की जानिब से एक कार्य शहर का काम अंजाम दिया जा रहा है, इसकी बरकतों से अल्लाह ताला उनको भी अजरता करे। और हम तमाम ये ख्वाहिश है कि हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब मुकम्मल तौर पर सेहताब हो। आज भी उनका उठना बैठना हर तरीके से उनको तकालीफ में मुब्तला है, थोड़े थोड़े दिन को ट्रीटमेंट चलता है, डॉक्टरों का इलाज चलता है। बहरहाल अल्लाह ने हयात दी, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिससे रोशन खुदा करे। बहुत कोशिश की गई लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह ताला ने हज़ारों लाखों लोगों की दुआओं की वजह से हबीब मिल्लत को सेहतियाबी हुई। और कहने वालों ने कहा कि हम अपनी उम्र में किसी के ताल्लुक से इतनी दुआओं का इत्तमाम नहीं देखे ना सुने जो हबीब मिल्लत के लिए दुआएँ की गई हैं। आज भी लोग अपनी दुआओं में उनकी सेहत के लिए याद करते हैं, दुआ करते हैं उनके लिए। और आपके चैनल के जरिए फिर अपील करता हूँ कि तमाम लोग हबीब मिल्लत की सेहतियाबी के लिए, ज़रादी उम्र के लिए, नसबी मिल्लत की कामयाबी, मजलिस सत्यात मुस्लिमीन की कामयाबी के लिए हमेशा आप लोग दुआ में याद रखें और इस जरिए से मजलिस सत्यात मुस्लिमीन से ताउन करें। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।